खबर देहरादून से है। डीएम सोनिका ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिससे कि आम जनता की शिकायतें सुनी गईं। इसमें लोग बिजली, पेंशन, नदी नाले जैसी शिकायतें लेकर आते हैं, और हालांकि शिकायतों में कुछ पुरानी शिकायतें भी हैं जिन अधिकारियों ने काम पूरा नहीं किया था, जिसे लेकर डीएम ने अधिकारियों को तुरंत लोगों की शिकायतों पर अमल करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जनता दरबार में कुछ 95 से अधिक शिकायतें सुनी गईं। देहरादून से रिपोर्ट, अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। करीबन 90+ के करीबन हमारे पास आज जन शिकायतें आई हैं, जिसमें कि जैसे हमेशा की तरह होता है, कुछ तो लैंड से रिलेटेड हैं, कुछ अवैध कब्जा हो गया, कुछ आज तो पेंशन से भी रिलेटेड कुछ शिकायतें आई थी, और नाले की समस्याएं और भूमि की क्षति होने की समस्याएं, इस तरह की कुछ आई थी शिकायतें। और हमने कोशिश की है, हमारे सारे अधिकारी यहीं थे, सभी को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तत्काल इनका निस्तारण कर दें। कुछ समस्याएं नगर निगम से रिलेटेड हैं, कहीं अवैध कब्जा हो रहा है कुछ, उसके बारे में।